शायद इस गाड़ी में कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसकी वजह से हम सबकी जानें बच गई हैं। तब मैंने अपने हृदय में महसूस किया कि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैं इलाहाबाद से पटना आ गया। रेलवे स्टेशन पर मेरे मामा श्री हरिओम पांडे मुझे लेने के लिए आए थे। वे मुझे अपने घर ले गए। वे एक कंपनी के अफसर थे और उनकी नियुक्ति पटना में हुई थी। उन्होंने मुझ पर नज़र डाली और कहा कि तुम्हारे कपड़े कुछ छैला किस्म के हैं, ये व्यावसायिक वातावरण में नहीं चलेंगे। उन्होंने मेरे लिए दो नई पोशाकें सिलवा दीं और जो पोशाकें मेरे पास थीं उनमें से कुछ की ओर इशारा करके ये भी बताया कि अभी के लिए इनके साथ अदल बदल कर अपना काम चला लेना। उसके बाद उन्होंने बिहार राज्य के एक महत्वपूर्ण शहर रांची में फ़ोन किया और अपने एक सहकर्मी से बातचीत की, मेरी नियुक्ति भी करवा दी और काम पर जाने की तारीख भी निश्चित कर दी, जो कि आने वाली दो दिन के बाद की थी। ये तारीख 15 अगस्त सन 1961 के आसपास की है, क्योंकि मैं अपने रिश्ते के भाई की जगह पर रखा गया था। सब कर्मचारी लोग इस नए पंछी को देखने के लिए उत्सुक थे। मेरे काम को देखने वाले बांस थे डिवीजनल मैनेजर श्री वेद रतन, और वे शीघ्र ही मुझे पसंद करने लगे। मेरी नियुक्ति हुई एक सेल्स अफसर के रूप में और मेरे जिम्मे था रांची के आसपास के इलाके के कस्बों और गांवों में जाना और लोगों के सामने सिलाई की मशीन और छत या मेज के पंखों का सक्रिय नमूना पेश करना, जिससे इन चीज़ों का व्यापार देहात में विकसित हो। शुरू शुरू में तो ये काफ़ी ही उचाट कर देने वाला काम था, पर धीरे धीरे मैं इसमें रुचि लेने लगा। एक महीने के अंदर ही मेरे बॉस ने जब भी औद्योगिक क्षेत्र से कोई बड़ी इंक्वायरी आती तो उसके लिए भी मुझे दौड़ाना शुरू कर दिया। जहाँ तक आवास का प्रश्न था तो उसके लिए इलाहाबाद के एक रिश्तेदार के मित्र ने मुझे वक्त ज़रूरत के लिए एक चिट्ठी दे दी थी। उसी के बिना पर मैं उनके माता पिता के पास जाकर टिक गया। उन वृद्ध दंपत्ति के पास जब मैं बैठता तो बाबा जी के किस्से बताने लगता और समय समय पर रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ भी कर देता था। मैं बस रोज की बंधी हुई दिनचर्या का अभ्यस्त हो ही रहा था और अपने काम के तौर तरीकों को सीख भी रहा था कि एक दिन 5 सितंबर सन 1961 की सुबह को ऑफिस पहुंचने पर मेरे साहब श्री वेद रतन जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोले कि पिछली शाम को तेरे बड़े साहब श्री सी एल मेहरा, जो कि कलकत्ता में रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। वे कह रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं और उनके एक संबंधी को तुम्हारी जगह पर रख दूं। श्री वेद रतन जी इस बात को लेकर बहुत लज्जित थे और बोले कि मुझे इसके लिए खेद है, परंतु मुझे तुम्हारी छुट्टी करनी पड़ेगी। उनके मन में कुछ दया थी। उन्होंने मुझे एक दूसरी नौकरी देने की बात कही। ये दूसरी नौकरी कंपनी की एक दुकान में थी जिसमें फुटकर बिक्री होती थी और उसमें मुझे 45 रुपये माहवार पर, जो कि आज के भाव से अमेरिका का एक डॉलर भी नहीं हुआ, रखने की बात हुई। और साथ में यह भी तय किया कि महीने भर की बिक्री पर कमीशन में मेरा भी कुछ हिस्सा होगा।
उस सारे कमीशन में मेरा हिस्सा 12.5% होगा, ये भी निश्चित कर दिया गया मेरे जैसे नौजवान के लिए, जो कि बड़े सपने लेकर आया था। उसके लिए मुझे बड़ा धक्का लगा, पर मैंने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वापस लौटकर पढ़ाई करने से तो ये अच्छा ही था। श्री वेद रतन जी ने मुझे पिछले महीने की तनख्वाह मेरे हाथ में दी और कहा कि तुम्हें कल सुबह ही निकलना पड़ेगा और जमशेदपुर जाकर नए काम को संभालना होगा। ये शहर बिहार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है, जिसे भारत के बहुत पुराने उद्योगपति टाटा ने बसाया था। मैंने बाज़ार से मिठाई का एक पैकेट लिया और वृद्ध दंपति से जाकर कहा कि मुझे नई नौकरी पर पहुंचने के लिए कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। मैं उसके बाद बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठा, जिसे मैं इलाहाबाद से ले आया था, और सुंदरकांड का गाकर पाठ किया। मैं बहुत भावुक हो गया था, इस कारण पाठ के बीच में कई स्थानों पर रोया भी था। जब सब खत्म हो गया तब मुझे बड़ी शांति महसूस हुई और मैंने मन की सारी दुविधा और नई जगह के बारे में सोच करके डर और इससे पैदा हुई अनिश्चितता सब गायब हो गए। अगले दिन दोपहर को 12 बजे के करीब मैंने रांची से चाईबासा के लिए बस पकड़ी और करीब 3 या 4 बजे वहां पहुंच गया। उस वक्त बारिश हो रही थी। मैंने जमशेदपुर के लिए सवारियों की एक शेयर टैक्सी ले ली, जिसमें 6 लोग बैठ सकते थे। बरसात हो रही थी और ड्राइवर 40 मील की रफ्तार अर्थात 65 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चला रहा था। बिहार की सड़कें उन दिनों बहुत टूटी फूटी हुई थीं, विशेषतः बरसात के मौसम में जो सड़क पर पानी बह रहा था। चलते चलते टैक्सी उस स्थल पर आई जहां की हमें स्वर्ण रेखा नदी को पार करना था। जैसे ही ड्राइवर पुल की ओर बढ़ा कि वो टैक्सी का संतुलन खो बैठा। टैक्सी तब बाढ़ के पानी से उफनती हुई स्वर्ण रेखा नदी के तट की ओर बढ़ी। ड्राइवर इतना भयभीत हो गया कि उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और कब टैक्सी नदी में जा गिरे इसकी घड़ियां गिनने लगा। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने बड़ी शांति से 2 बार जय श्री राम कहा। एकाएक टैक्सी जैसे कि अपनी धुरी पर घूम गई हो, जिधर से आ रही थी उस वक्त को मुड़कर खड़ी हो गई। पहले तो ड्राइवर को विश्वास ही नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, शायद इस गाड़ी में कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसकी वजह से हम सबकी जानें बच गई हैं। तब मैंने अपने हृदय में महसूस किया कि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तब उसने अपने इष्ट देव नीव करोरी बाबा जी को धन्यवाद कहा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।